वो पानी वहां उसमें निकाल के दो। और हम मच्छी का बुलबुला, बुलबुला। अस्सलाम वालेकुम। जो उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बना रहे हैं फिश। हमने ऐसे ही साबत ली थी तो हमने कहा हम खुद ही इसको बनाएंगे, काटेंगे और फिर अपने बहन भाइयों से अपनी रेसिपी शेयर करेंगे। तो हम बनाते तो बिल्कुल सिंपल हैं, तो जिस तरीके से हम बनाते हैं वही हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। ये हमने साफ कर लिया, ये गंद वगैरह कचरा वगैरह हमने निकाल लिया इसमें से। तो अभी हम इसको धोते हैं। और हमारा आज गैस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सिलेंडर का, तो हमने बनानी है इसको लकड़ियों पे। तो काफ़ी लेट हो गए हैं और अल्लाह करे जल्दी जल्दी से हमारी फिश तैयार हो जाए, क्योंकि मसाला वगैरह मैंने सारा बनाना है और इसको अभी पकाना भी है। तो अभी इसको काटते हैं। एक दफ़ा फिर हम इसको धो लेंगे, पहले मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, अब फिर धो लेंगे इसको। अभी हम खुश्क धनिया जो है इसमें कूट लेंगे, नहीं करो हम। अभी उठा लेंगे थोड़ी सी लकड़ियां, तो हम लकड़ियां जला लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सालन बनाना। ये कढ़ाई मैंने पहले धो के रखी हुई थी, तो इस कढ़ाई में हमने सालन बनाना है। जो हम थोड़ा सा सालन बनाते हैं तो इसी छोटी सी कढ़ाई में जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, इसमें जल्दी बन जाती है। तो हम इसको लगा रहे हैं, जो हमने खुश्क धनिया जो कूटा था, हम ज्यादा जो फिश मसाला भी होता है वो हम नहीं लगाते, तो वो बहुत तीखा होता है और हमारा जो है मैदे का मसला है। क्योंकि मेरा नया चैनल है, तो जो हमारा पुराना चैनल है उसमें तो हमारे बहन भाइयों को पता है, लेकिन नए चैनल पे बास बहन भाइयों को नहीं पता। तो हम सिर्फ ये खुश्क धनिया कूट लेते हैं और इस पर लगा के इसको फ्राई करते हैं और फिर इसी के साथ ही हम अपना सालन बनाते हैं। तो ये इस पे मैं सारे बारी बारी लगा लूंगी क्योंकि देर हो रही है, वरना इसको पहले खुश्क कर लेते। मछली को पानी इसमें है अभी, धोया है क्योंकि मैंने अभी, तो खुश्क मैंने नहीं किया।
और फिर रात हो जाएगी, फिर हमें मसला हो जाएगा वीडियो बनाने का, क्योंकि फिर रात को लाइट का मसला है। तो फिर इस वजह से मैं कोशिश करूँ कि जल्दी जल्दी से बना लूँ शाम होने से पहले, क्योंकि अजानें भी हो चुकी हैं और अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया। आटा भी गूंदना है, ये सामान भी बनाना है, टमाटर और ये भी मैंने रखा हुआ है, इसको फ्राई करती रहूँगी और साथ साथ मैं ये मसाला भी अपना बनाती रहूँगी। कांटों वाली नहीं है दूसरी हमने ली है, क्योंकि अरहम हमारा वो खा नहीं सकता। वैसे भी ये इतनी ज्यादा फिश शौक से नहीं खाता, तो क्या था मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसके सालन हम कहीं से मंगवा लेंगे, चेंज करवाएंगे ये सालन दे के, और कोई अगर और सालन बना के उन्होंने बनाया होगा तो वो हम ले लेंगे, चेंज करवाएंगे सालन, क्योंकि ये फिर रात को भूखा सो जाएगा। अभी भी ये कह रहा था कि मैंने नहीं ये खानी, मुझे ना आप चूड़ी बना के देना। अच्छा जी, तो प्यारे प्यारे बहने और भाई, मैंने फिश जो है वो अपने तलना शुरू कर दी है, तो एक एक करके मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखिए आग भी सूखा है, लकड़ी जो है वो सूखी है, जो आग जल रही है अच्छी जल रही है, और मैं सोच रही हूँ अल्लाह करे ये बुझे ना और मेरी फिश जो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, तो एक एक करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। एक और भी डाल देते हैं, ऐसे जल्दी हो जाएगा काम। अरे भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, अरे खाता तो है नहीं, फिर खाओगे आज? इसने बनते हुए देख रही है, तो पहले ये फिर भी कुछ कहता था कि मैं नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा, आज बनते हुए देख रही है। इसमें हमने कचरा वगैरह जो था वो हमने निकाला है गंद, तो ये देख रहा था और ये कह रहा था कि ये क्या है। मैंने कहा ये ना इसके अंदर जो है वो कचरा वगैरह गंद वगैरह हम निकाल के फिर उसको बनाएंगे, तो कहता मैं नहीं खाऊंगा। तो अभी पहले फिर भी खा लेते तो अभी मुश्किल है ये खाना इसका। तो ये ना इसमें पानी था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देर हो रही थी काफी, नहीं करो उन्होंने, तो इसमें पानी है क्योंकि हमने अभी भी धो के ऊपर चढ़ा दिया है, तलने के लिए रख दिया, तो ये पटाखे मारिए और घी जो है मेरे ऊपर आ रहा है, तो फिर क्या करें, खाना भी तो है ना। तो हम इसको भी साथ साथ बनाते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए हमारा। तो मसाला हमारा बन चुका है सारा और साथ साथ हमारी फिश भी फ्राई हो चुकी है। हम नहीं करो, तो अभी हम इसको बना लेते हैं सालन, क्योंकि रोटी के साथ हम खाएंगे और थोड़ा सा शोरबा भी रखेंगे ताकि हमारी रोटी अच्छे तरीके से हम खा लें रोटी के साथ। तो ये मैंने सामान वगैरह अपना साइड पर रख दिया है, तो अभी इसको देखते हैं। नहीं करो, भाई बिल्कुल देखिए जल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत पतली है और पतली होने की वजह से ये बिल्कुल जल गई अंदर से। ये देखें अगर मोटी होती तो ये जलती ना, तो मैं इसलिए ना नीचे से साफ नहीं करती, ये ब्लैक ही रहने देती ताकि ये तहस की मोटी हो जाए और फिर ये ज़्यादा नहीं जलेगी। तो अभी कुछ पतली है ना, नहीं ली थी तो वो बिल्कुल ही जल जाती। ठीक है, तो अभी इसको गा लेते हैं। अभी हम इसको भून रहे हैं, कढ़ाई वगैरह मैंने धो ली है और इसमें मैंने प्याज वगैरह डाल के घी वगैरह डाल के मैं अब इसको भून लूंगी। और ये नहीं करो, और ये भी मैंने इसके साथ बनाया हुआ है मसाला वगैरह।
मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं फिश जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो आटा भी मैंने गूंद लिया जल्दी से। डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। फिश हमारी तैयार हो चुकी है और इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। तो हमारे साथ आप भी आ सकते हैं और हमारे साथ ये अपनी फिश जो है हमने बनाई है हमारे साथ खा सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।